हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट माय व्लॉग। सो हम चलिए अब कंटिन्यू करते हैं जो वहाँ से मैंने छोड़ा था अपना वैष्णो देवी का व्लॉग। वहाँ से पीछे मैंने एक दो वीडियो वैसे डाल दी थी अलग से ताकि गिफ्ट ओपनिंग वगैरह की, अगर आपने देखी नहीं तो देख लीजिएगा। तो इसके बाद फिर मैंने अपना वैष्णो देवी का व्लॉग कंटिन्यू किया था। तो फ्रेंड में वहीं जहाँ से मैंने छोड़ा था वहीं से मैंने कंटिन्यू किया है, जहाँ हमने रिलैक्स किया, अपने फीट पर मसाज करवाई, उसके बाद हम यहाँ पर आ गए ये गंगा जी में नहाने। देखिए पानी कितना ज़्यादा बह रहा है, इतना ज़्यादा चिल्ड था ना कि कहने की हद नहीं, बहुत चिल्ड था। लेकिन एक बार डुबकी लगाने के बाद तो उसके बाद फिर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। चलिए आप चलते हैं नीचे, ये गंगा जी हमने नहा लिया है, मतलब घाट पे नहा लिया हमने, अब चलते हैं घर को। लोग बैठे उधर, हाँ बैठे हैं इधर, लोग बैठे इधर कर ले यार, बैठे कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे हमने बहुत फोटो में क्लिक की, माता रानी है, दर्शन कर लीजिए आप लोग। चलिए आप लोग सर यहाँ पे स्नान करने के बाद आगे अब चलते हैं। मैंने ये गाउन पहना है, यहाँ पे बस माता टेक हम आ रहे हैं। उसके आगे फ्रेंड हम आ चुके हैं नीचे नीचे, ये कटरा की जो मार्केट है ना, तो वहाँ पे हम लोग कुछ कपड़े वगैरह देख रहे थे, तो इनके लिए ना जैकेट देख रहे थे जो साथ में आए थे, उनकी वाइफ है, तो इनके लिए ना जैकेट देख रहे थे, वही पसंद करवा रहे थे। एंड ये शॉप वगैरह काफ़ी थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, पर हाँ कॉस्टली बहुत होता है यहाँ पे सामान, तो जितना हो सके अपने घर से लाइएगा, यहाँ पे काफ़ी कॉस्टली होता है सामान। लेकिन ठंड बहुत थी, इसका आइडिया नहीं था हमें पहले, मैंने आपको बताया था ना, आइडिया नहीं था कि कितनी ठंड होगी, तो इसलिए फिर हमें जैकेट लेनी पड़ी। तो यहाँ पे जैकेट ली, एंड अभी मैंने भी एक ब्लेजर ट्राई किया था पहन करके, अभी दिखाऊंगी मैं कैसा लग रहा है, पे बताइएगा मुझे। एंड अभी तो इनके लिए ही देख रहे हैं श्वेता के लिए, एंड उसके बाद मैं ट्राई करूंगी, अब जा रही हूँ ऊपर वहाँ पर ट्राई करूंगी मैं ब्लेजर। ये स्टेयर्स थे, काफ़ी चढ़ाई थी यहाँ पे, थोड़ी चढ़ाई से उतर के आए थे ना, तो थोड़ी भी चढ़ाई आती ना तो बस याद आ जाती है कि हाँ हमने कितनी चढ़ाई की है। तो यहाँ पे ब्लेजर वगैरह काफ़ी थी एंड जैकेट भी थी। जो सामने पड़ा हुआ ना ब्लेजर, वो ट्राई करूंगी मैं ब्लैक कलर में। तो हमें ग्रास थी, तो ये देखिए ब्लैक कलर ब्लेजर मैंने डाला, कैसा लग रहा है प्लीज मुझे बताइएगा। लेकिन मैंने लिया नहीं क्योंकि इसके हिसाब से प्राइस बहुत ज़्यादा हाई था, इसीलिए नहीं लिया। एंड इन्होंने भी इस शॉप से नहीं लिया, किसी और शॉप पे जाएंगे बड़े शॉप में, वहाँ पे हमें पसंद आया था जैकेट इनके लिए, तो मैं दिखाती हूँ एंड चलती हूँ वहाँ पे दिखाती हूँ मैं, बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा कुछ है। तो यहाँ पे आ चुके हैं, तो ये जैकेट मैंने पहनी है, यही पसंद की है इन्होंने, येलो कलर में, मस्टर्ड येलो कलर में। एंड ये देखिए ये वाला शोरूम बहुत बड़ा है, एंड इसके फ्रंट ये बैग में था, मतलब ये ना बहुत लंबा था, ये बैक साइड में कपड़ों की शॉप थी, आगे ना बहुत ही अच्छा मतलब माता रानी की मूर्ति थी, स्टील की चांदी की ऐसी थी, बहुत ज़्यादा मूर्ति वगैरह थी हमने, मैं देखी माता रानी की, पर हम अभी लेकर नहीं आ पाए क्योंकि हम ना नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो ज़रूर लेकर आएंगे, पर मुझे लेकर आना चाहिए था एक छोटी सी मूर्ति, मैं नहीं लेकर आ पाई। मुझे ना फर्स्ट टाइम गई थी तो इतना आइडिया कुछ नहीं था, मतलब इतना लगा लो इतना मुझे पता ही नहीं था अभी, हाँ क्या चीज़ लानी चाहिए क्या चीज़ नहीं, पर वही छोटी मोटी चीज़ें हम लेकर आए, मतलब हाथ में बांधने के लिए, मतलब फ्रेम वगैरह लेकर आए थे लेकिन माता रानी के, जो कि हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था प्रसाद के साथ में। तो ये देखिए यहाँ पे सामान मैं दिखा रही हूँ, कितना कुछ है यहाँ पे, बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज़ें थी यहाँ पे, चूड़ी चूड़ा माता रानी के श्रृंगार का सामान, ये देखिए डेकोरेशन का सामान बहुत कुछ था यहाँ पे। ये देखिए मैं हूँ, यहाँ माता रानी के फ्रेम दिखे लगे हुए हैं, ये देखिए चांदी के कितने ज़्यादा मूर्ति हैं, पीतल की हैं, तांबे की हैं, माता रानी के बहुत ज़्यादा चीज़ें थी यहाँ पे। यहाँ पे आपको दिखाऊंगी एक बड़ी सी मूर्ति, बहुत ही पसंद आई थी हमें, बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। सर मैंने इसका प्राइस पूछा था कि नहीं पूछा था, पता नहीं याद नहीं आ रहा,
तो मैं दिखाती हूँ आपको, लास्ट में वो दिखेगा, वो बाहर की तरफ रखा हुआ था। वो वाली तो माता रानी जी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी, मतलब बहुत अच्छी मूर्ति लगी मुझे। ये देखिए बैल वगैरह है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा सामान था यहाँ पे माता रानी की तरफ से, बहुत सामान था यहाँ पे, यहाँ प्रसाद भी था। अपना अखरोट मिलते हैं ठीक ठीक प्राइस में मिल जाते हैं, तो वो आप ले सकते हो घर के लिए। यहाँ पे देखिए सब्जी की गणेश जी की, माता रानी की, काली माता की, ये वाली मूर्ति, ये वाली मूर्ति मुझे बहुत पसंद आई थी। ये सुंदर लग रही है माता रानी, मैंने देखा, मैंने टच भी किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो नेक्स्ट टाइम गई ना तो कोई एक मूर्ति जरूर से लेकर आऊँगी, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी, थोड़ी बड़ी सी माता रानी थी, बड़ी मूर्ति थी। तो अगर आपका सेपरेट मंदिर है तो ये ले, नहीं तो छोटा सा आप ले सकते हो, छोटी माता रानी की मूर्ति। तो हम चलिए अब चलते हैं आगे, यहाँ पे हम जा रहे हैं, ऊपर देखो हम जा रहे हैं। शिवखोड़ी में जाना था, लेकिन रास्ते में हमने की राफ्टिंग, तो राफ्टिंग का प्रॉपर होगा नेक्स्ट, उसको देखने के लिए आपको वीडियो को नेक्स्ट पार्ट इसका देखना होगा। एंड यहाँ पे हमने अपनी पर्सनल गाड़ी बुक की, यही हमें शिवखोड़ी तक लेके जाएंगे एंड वापस भी लेकर आएंगे। तो रास्ते में हमें राफ्टिंग भी इन्होंने करवाई अपनी जान पहचान के यहाँ से, तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी दिलवा दिया था हमें। एंड यहाँ पे बैठ गए थे, यहाँ पे देखिए फ्रेंड बाहर का व्यू ना इतना अच्छा था ना, इतना ज़्यादा नज़ारा अच्छा था ना। एंड जैसे जैसे हम वहाँ पे राफ्टिंग तरफ जाएंगे ना, जो हम जहाँ पे हम राफ्टिंग करवाने लेके जा रहे थे ना, वो अपनी गाड़ी लेके गए थे ना, वहाँ का नज़ारा तो कभी बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा सुंदर था वहाँ का। मैं दिखाऊंगी आपको आगे, एंड नेक्स्ट वीडियो आएगी राफ्टिंग की। कहीं घूंघट क्या हुआ है? अरे यही और क्या, अच्छी मजा आई। ये तो वीडियो है, वीडियो में दे रही हूँ। चल Thank you.